हाय फ्रेंड्स, रौनक की रसोई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही मोस्ट फेमस डिश, पालक अंडा करी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको किस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे मैंने पालक लिया है लगभग 300 ग्राम, थोड़ा सा धनिया और 4 लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची। यहाँ पे मैंने 2 पीस प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, और 2 ही टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने अंडे को पहले से ही बॉईल करके रखा है, भगोने को चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी से पालक का जो हरापन होता है वो बरकरार रहता है और पालक इसी तरह से हरा चमकता रहता है और इसका जो रंग है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं है। पालक को डाल देंगे भगोने में, धनिया पत्ता भी डाल देंगे इसी के साथ ही। यहाँ पे मैंने 5 अंडे का अंडा करी बना रही हूँ, तो इसमें मैं कट लगा लूंगी पहले इस तरह से आपको भी कट लगा लेने हैं अंडे में, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। पालक हमारा बॉईल हो चुका है, 4 से 5 मिनट ही इसको बॉईल करना है। अब इसे हम डाल लेते हैं ठंडे पानी में। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में पहले से ही मैंने थोड़ा ठंडा पानी और आइस क्यूब डाल के रखा था। पालक को अच्छे से निचोड़ लेंगे इस तरह से, मिक्सी के जार में डाल देंगे। पालक में हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही हमारा पीस के तैयार हो जाएगा। पालक की प्यूरी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कलर इसका अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में डाला है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं अंडे। अंडे को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा गैस का जो फ्लेम है उसे लो मीडियम रखना। अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेना है इन्हें हमें। जब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। आपको अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अंडे हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अंडा प्लेट में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सारे अंडे को हम बाहर निकाल लेंगे पैन से। अब फिर से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल,
अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, अच्छे से तड़कने देंगे। सारे खड़े मसाले हम अपने डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद थोड़ा हल्का भूनेंगे इन्हें हम। गैस का फ्लेम लो करते समय इसे हल्का हल्का भून लेना है हमें। जैसे ही हमारे भुन जाए इसमें डाल देंगे हम टमाटर। अच्छे से चला लेंगे टमाटर डाल के। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस थोड़ा हाई कर लेंगे। साथ ही में डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, धनिया पाउडर। अच्छे से चला लेंगे। सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। कवर कर देंगे पैन को। पैन को कवर करते 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा टमाटर हमारा कच्चा लग रहा है, लगभग अब पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे पालक प्यूरी। देखिए फ्रेंड्स, पालक हमारा कितना हरा दिखाई दे रहा है एकदम से, बिल्कुल बहुत ही प्यारा। पैन को हम कवर कर देंगे और कवर करके 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कलर भी अच्छा आ चुका है पालक में। पालक ने अपना तेल छोड़ दिया। अब इसमें हम डाल देंगे अंडे। अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे और इन्हें। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक अंडा करी देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है। लास्ट में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, आपकी फेवरेट और हम सबकी फेवरेट कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। आपको इसी तरह से पालक अंडा करी बना के तैयार कर लेनी है। बिल्कुल बहुत ही आसान रेसिपी है और ठंड में एक बार जरूर बना के ट्राई करना है आपको इसे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे धनिया और धनिया डाल के कर लेंगे इसे गार्निश। पालक अंडा करी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये अब सर्व के लिए।